इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। कुदरत का करिश्मा तो देखो, उस रात दो घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। क्या कुछ अलग खेल खेलेंगी रमिका सेन? क्या होने वाला है अंजाम रॉकी का? क्या फिर गवर्नमेंट से हाथ मिलाकर बनेगा केजीएफ का बादशाह? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। केजीएफ चैप्टर 2 के इंतजार में है सारा हिंदुस्तान। क्या होने वाला है रॉकी भाई का अंजाम, ये जानने के लिए लोग हो रहे हैं उतावले। प्रशांत नील के डायरेक्शन में ये फिल्म नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज बार बार हो रही है पोस्टपोन, तो आखिर कब होगी रिलीज केजीएफ चैप्टर 2? तो आइए जानते हैं और साथ में जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। इस फिल्म में कन्नड़ सुपरस्टार यश, श्रीनिधि रेड्डी, रवीना टंडन और संजय दत्त हैं पिविटल रोल में। रवीना टंडन को बहुत अरसे के बाद देखा जा रहा है किसी मूवी में एक्ट करते हुए, क्योंकि उनको यूजुअली रियलिटी शोज को जज करते हुए देखा जाता है। लेकिन रवीना टंडन किसी ऐसे वैसे रोल्स नहीं, बल्कि केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना टंडन निभा रही है एक श्रीयुत पॉलिटिशियन का रोल, जिसका नाम है रमिका सेन। इस मूवी में हम संजय दत्त को देखेंगे अधेरा की भूमिका में, जिसके साथ होने वाला है रॉकी भाई का फाइनल शोडाउन। केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में ये लाइन स्पेसिफिकली दिखाया जाता है कि द प्रॉमिस विल बी केप्ट, जो हमें ये बताता है कि रॉकी अपनी माँ से किया हुआ वादा जरूर निभाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि रॉकी ने अपने माँ से ये वादा किया था कि मरते वक्त वो सबसे ताकतवर आदमी बनेगा। तो क्या सच में होने वाली है रॉकी की डेथ? केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि कैसे रमिका सेन इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल की डेथ वारंट साइन करती हैं। तो क्या ये क्रिमिनल अधेरा है या रॉकी? लोगों लगता है कि ये रॉकी का ही डेथ वारंट है, मगर ये रॉकी नहीं भी हो सकता है। केजीएफ चैप्टर 2 के स्टोरी में आ सकते हैं काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स। केजीएफ चैप्टर 2 में ये भी संभावना है कि रॉकी मर जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रॉकी अपने आप से ये डेथ वारंट का साया हटा ले। रॉकी गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ जुड़कर बाकी शरीकों को भी हटा सकता है ताकि केजीएफ उसका बन जाए, और इसमें मदद कर सकती है खुद रमिका सेन। तो क्या लगता है आपको, क्या होगा अंजाम रॉकी का केजीएफ चैप्टर 2 में? ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। इस फिल्म की रीशेड्यूल्ड रिलीज सितंबर 9 को थी, लेकिन अभी रिसेंटली फिल्म से जुड़े एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है कि नए तारीख पर रिलीज होगी केजीएफ चैप्टर 2। कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये फिल्म सितंबर 9 को रिलीज नहीं होने वाली है, ये तो कंफर्म है। तो क्या आप हैं एक्साइटेड केजीएफ चैप्टर 2 के लिए? हमें बताइएगा जरूर। और फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।